नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एज दी मून सो ब्यूटीफुल एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 12 एपिसोड है और ये जो सीरीज है वो दो टीनेजर के लव और उनके रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है। ये दो टीनेजर हैं कोतारो अजूमी और अकाने मिजुनो और ये दोनों हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और दोनों ही एक ही क्लास के स्टूडेंट होते हैं। कोतारो जिसे किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है और जो नॉवल लिखना चाहते हैं, और इसके विपरीत जो जो लड़की दिखाई गई है अकाने जिसे खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, जिस जो रेसिंग करने का शौक रखती है, और इन दोनों की जो मुलाकात दिखाई गई है यार कमाल की। मतलब हमारे उस स्कूल टाइम से रिलेट कर पाओगे जब आप ये सीरीज देख रहे होगे। मतलब इन दोनों का जब मिलना, जब ये जो लोग मिलते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, मतलब अपने उनका परिवार ही आया हुआ होता है, तब वहाँ पर ये अपने परिवार के साथ जब मिलते हैं और जो इनके अंदर जो शाइनेस दिखाई गई है वो कमाल की। मतलब जैसे ही आप इन दोनों करेक्टर को, दोनों एनिमे को जब आप देखोगे, मतलब आपको वक्त भी नहीं लगेगा इन दोनों से जुड़ने में। ये एनिमे सीरीज जो है वो बिल्कुल सिंपल लव और उसके रिलेशनशिप इनके ऊपर बेस्ड है, तो इसके अंदर ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है। बावजूद इसके हम इससे शुरू से लेकर अंत तक इसके साथ जुड़े रहते हैं। इसके शुरुआती एपिसोड में दोनों का एक दूसरे से मिलना, उनसे वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से दिखाई गई। मतलब काफी अच्छा, मतलब ऐसे कहने की बात हो रही है जैसे मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से दिखाई गई। मैं ये कहने का मतलब जो रिलेशनशिप जो शुरुआत है देखने से, शाइनेस से, धीरे धीरे बात करने से, इसके शुरुआती एपिसोड में बहुत बखूबी से दिखाया गया है। शुरुआत के कुछ एपिसोड में तो ये एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर पाते हैं। मतलब एक दूसरे से बात करनी होती है तो ये फोन से चैटिंग के थ्रू ये बात कर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनको शर्म आ जाती है, तो बहुत ज्यादा इनको शर्मिला दिखाया गया है। और जब आप ये सीरीज देखकर हटोगे तो मैं कह सकता हूँ कि यार आप यही कहने वाले हो कि यार बहुत प्यारी सीरीज थी और शायद ये आपकी पसंदीदा सीरीज भी बन जाए। इसमें रिलेशनशिप, खासकर जो टीनेजर के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि उनमें जो टीनेजर जो होते हैं, जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तो उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके ऊपर इसमें कमाल के तरीके से, मतलब जो इन्होंने डेवलप किया है, करेक्टर डेवलपमेंट है, जो रिलेशनशिप का बनना है उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आना, उन सबको दिखाना वो बहुत अच्छा लगा है। अब इसमें टोटल 12 एपिसोड है तो इसके 5 से 6 एपिसोड जो है मैं कह सकता हूं कि इसमें कोतारो और अकाने एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे की शाइनेस दूर होने में और एक दूसरे को डेटिंग करने में इन्हीं में निकल जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल सब सही चीजें चल रही होती हैं तब आप सोचते हो कि यार अब चीजें तो बिल्कुल सिंपल हो गई हैं, बहुत स्मूथली चल रही हैं। जब ये 5 या 6 एपिसोड खत्म हो जाते हैं तब आप ये सोचने लग जाते हो कि यार अब क्या आने वाला है, यार अब ऐसा क्या ट्विस्ट आएगा, क्योंकि बिना ट्विस्ट के ये सीरीज तो आगे चल नहीं पाती। लेकिन इसमें जब आगे जब चलते हैं 5 या 6 एपिसोड के बाद, जो इसमें दिखाया गया, इसमें करियर से रिलेटेड चीजें दिखा दी जाती हैं और जो अकाने है वो अब इस शहर को छोड़ के जाने वाली है, वो उसके क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफर कहीं और हो गया। देखो यार ये कोई स्पॉइलर नहीं है, पर अब अगर एंडिंग के बारे में बात ना करूं तो यार मुझसे रहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यार एंडिंग इसकी इतनी कमाल की लगी। मतलब ये जो लास्ट की जो एंडिंग है वो इस सीरीज का लेवल है वो और ज्यादा उठा देती है। मतलब समझ लो यार, इसके जो लास्ट का जो एपिसोड है, यानी 12th एपिसोड, उसके लास्ट के कुछ मिनट हैं जो एंडिंग हमें दिखाई गई है यार, वो एक सेटिस्फाई करती है लव को, रिलेशनशिप को। मतलब एक शुरुआत जहां होती है एक दो बच्चों, जो टीनेजर्स के बीच में, और जो एंडिंग जो दिखाई गई, मैं देखो यार उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यार वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग जाओ और उसको खुद एक्सपीरियंस करो कि कितनी अच्छी एंडिंग है। और जैसा कि लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा सक्सेस नहीं होती, तो ऐसा इसमें भी दिखाया गया है। जब अकाने जो है वो शहर छोड़ के जा रही होती है तब तो उसकी बहन उसे कहती है, देखिए यार तेरी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि तो हम कहीं और जा रहे हैं और कोतारो यहीं रह जाएगा इस शहर में, तो तुम्हारी रिलेशनशिप शायद मुश्किल से चले। तो इस चीज़ को बेबुनियादी बताते हुए, बकवास बताते हुए ये सीरीज़ हमें ये समझाती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो चाहे बट लव होता है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, उसको ऐसा कुछ नहीं होता कि जो लोगों ने अंदर अपने अंदर ये धारणा बना रखी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो जाती है। तो इस चीज़ को ये बकवास बताती है और ये चीज़ को साबित करने के लिए लास्ट में आप लोगों को प्रूफ भी देती है। फिर से वही बात इसकी एंडिंग पे आ जाती है, तो यार एंडिंग देखना यार प्लीज़ शुरू से देखो, तुम्हें वो लगेगा कि हाँ इसके जो 12 एपिसोड हैं, 12 एपिसोड तक तुमको एकदम अच्छे से तैयार किया जाएगा और लास्ट में तुम्हें एक अच्छी सी चीज़ खिलाने को दे दी जाएगी, तुम कहोगे कि यार कमाल की है।
तो अगर आप एक लव रोमांस एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज देखना चाहते हो तो ये एनिमे सीरीज 12 एपिसोड के लिए मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। इसे बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया है, इसके एनिमेशन भी अच्छे हैं। तो यार मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी अगर किसी ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसे लगी। यार मुझे तो मेरे स्कूल के टाइम उस दिनों की याद आ गई थी जब मैं ये सीरीज देख रहा था। हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो इसमें दिखाया गया है, बट होता है ना यार, मैं मतलब अभी बता नहीं रहा हूँ, बट होता है हर एक के साथ होती है वो चीज़ें। तो मेरा जो स्कूल का टाइम था यार, मुझे सच में वो याद आ गया था, आंखों के सामने वो घूम रहा था यार, मैं भी ऐसी हरकतें कर रहा था उस वक्त। तो डेफिनेटली आप लोगों को शायद इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, कि जब यार सीरीज देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ यार एक बार जाकर देखो, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। लव रोमांस के ऊपर आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है, या फिर आप सीखे हुए भी नहीं तो आप अपनी लाइफ को एक तरीके से याद कर सकते हो कि जब आप स्कूल के टाइम में थे, कोई जिसके ऊपर भी आपका क्रश रहा हो तो आप क्या फील करते थे। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें ये याद दिलाने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।